मोदी सरकार ने तीन तलाक को जुर्म घोषित करने जैसे कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाया। अब ठीक वैसे ही योगी सरकार पति के जरिए छोड़ी गई महिलाओं को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी महिलाओं को रखने वाले हिंदू पुरुषों को दंडित करने का कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक से पीड़िता महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि छोड़ी गई हिंदू महिलाओं को भी ऐसा ही न्याय दिलाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि एक शादी कर दूसरी महिला को रखने वाले हिंदू पुरुषों को दंडित करने का कानून बनाया जाएगा। देश में अलग की गई औरतों की तादाद तलाकशुदा महिलाओं से भी ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 23 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बिना तलाक के ही छोड़ दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदू महिलाओं की है, जबकि मुस्लिम महिलाओं की संख्या काफी कम है। देश में करीब 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अलग कर दिया गया है और बिना तलाक के ही छोड़ दिया गया है। वहीं मुस्लिमों में ये संख्या 2,08,000, ईसाइयों में 90,000 और दूसरे अन्य धर्मों की 80,000 महिलाएं हैं। ये महिलाएं बिना पति के रहने को मजबूर हैं। भयभीत करने वाले ये आंकड़े कुछ इस तरह हैं। बिना तलाक के अलग कर दी गई और छोड़ी गई औरतों की संख्या का औसत देखें तो हिंदुओं में 0.69%, ईसाई में 1.19%, 0.67% मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक जैसे कि जैन, सिख, पारसी, बौद्ध में 0.68% है। इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिमों में बिना तलाक के छोड़ी गई महिलाएं दूसरे धर्म की तुलना में काफी कम है। इन महिलाओं की हालत काफी दयनीय है। ये महिलाएं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। इन्हें अपने ससुराल और मायके दोनों जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनको दोनों जगह से ठुकराया जाता रहा है। कोई भी इनको अपनाने तक को तैयार नहीं। इनकी चिंता किसी को नहीं, अपने पति से ठुकराई हुई ये महिलाएं आखिरकार कहां जाएं? इन महिलाओं को पति के रहते हुए भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।